जानती हो ना, जलाल के चाचा को हमेशा से ही इंसानों में जानवर की ताकत भरने का अजीब और गरीब शौक है। उन्होंने भेड़िया बनकर कल रात हम पर हमला किया है। वासु, ये थोड़ा सा खून हमें दे दे। वासु! ये हमें चाचा जी के प्रयोगशाला से मिली। इस पुस्तिका में लिखा है कि पूर्णिमासी की रात चांद देखकर आदमखोर भेड़िया अपने असली रूप में होता है। आज संयोग से कल ही पूर्णिमासी की रात है। कहाँ है भेड़िया? अरे अरे चाचा जी यहाँ है तो वो भेड़िया कौन था? देखिए बहना, इस पूर्णिमासी की रात इनके अंदर भेड़िया बनने का असर दिख रहा है। बचाओ बलदेव जी, बचाओ बचाओ। निकलिए बलदेव जी। अरे हमें ये दवाई पिलानी होगी रानी साहिबा, तभी इनके अंदर का भेड़िया भागेगा। ताली, ताली अंदर। ये कौन सी दवाई पिलाई आपने? ये भेड़िए से मानव बनने की दवा है। क्या? भेड़िए से मानव बनने की दवा? हाँ, उस्ताद जी ने कहा था मुझे, अगर मैं कभी भेड़िया बन जाऊँ तो मुझे ये दवा पिला देना, इससे मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। तब तो तुम्हारे पास वो भी दवा होगी जिसे पीकर ये भेड़िया बन गए। नहीं नहीं रानी साहिबा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो तो सारी चीजें उस्ताद जी को पता है। रानी साहिबा, ये कैसे मुमकिन है? कोई भी इंसान दवाई पीकर इंसान से भेड़िए और भेड़िए से इंसान कैसे बन सकता? क्या कल रात को क्या हुआ था हमें? चाचा जी, कल रात पूर्णमासी की रात थी जहां आप भेड़िया बन चुके थे। भेड़िया? भेड़िया? लेकिन हम कैसे बने? ये सब कैसे हुआ? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हकम जी, आइए आइए, देखिए देखिए देखिए, अब भी किसी को शक है कि चाचा जी आदमखोर भेड़िया नहीं है? भूख लग रही है हमें, मुलायम मुलायम गोश्त। अनारकली जी, आप डरिए मत, हम हैं। वो तो गई भाई साहब। अरे साहब, हमें लगता है कि जापाना के चाचा जी मानसिक रोग के शिकार हैं, इन इलाज की सख्त जरूरत है, और हकीम जी भी यहाँ है तो। हाँ हकीम जी, देखिए ना, देखिए जापाना के चाचा जी को क्या हो गया है, कुछ बताइए ना आप। क्या आप जरा हमारे साथ आइए दवा खाने, हम आपका इलाज करते, आइए। सिपाही, चाचा जी को हकीम जी के दवा खाने ले जाइए, और आप साये की तरह इनके साथ रहना। आइए चाचा जान। साधना जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जहां बना के चाचा जी जो थे वो महल में खाली हाथ आए थे, अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए थे, और जब आप आई तो आपने कहा कि आपके पास सिर्फ भेड़िए से इंसान बनने वाली दवाई है, इंसान से भेड़िए बनने वाली दवाई के बारे में आप कुछ नहीं जानते। तो फिर चाचा जी महल में भेड़िया कैसे बने? भेड़िया बनने वाला नुस्खा उनके पास आया कहां से? क्या पता, हो सकता है कि चाचा जी खुद छिपा के लाए हो, या फिर दूसरा भेड़िया जो आया था उसी ने चाचा जी को यह नुस्खा दिया हो। दूसरा भेड़िया? हाँ। रानी साहब, हमें फिर एक बार जापाना के चाचा जी के प्रयोगशाला जाना होगा।
आइए आइए। ये सब किसने किया? और उस्ताद जी के निजी कमरे का दरवाजा किसने तोड़ा? इस बक्से का ताला टूटा हुआ है, यानी किसी ने जानबूझकर ये ताला तोड़कर बक्से के अंदर से कुछ चुराया। हमें लगता है उस्ताद जी ने यहाँ मानव भेड़िया बनाने वाला नुस्खा छुपा कर रखा था, जो शायद कोई चुरा कर ले गया। लेकिन ऐसा कौन करेगा? यहाँ तो सैफुद्दीन जी के अलावा सिर्फ आप ही काम करती थी। हमें पता है ये किसने किया है। उस्ताद जी के प्रतिद्वंदी भास्करन ने, जो कल यहाँ आए थे। भास्करन जी, आप यहाँ? यहाँ नहीं तो और कहाँ। मानव भेड़िया के सूत्र की खोज में हम 25 सालों से लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और सैफुद्दीन ने सिर्फ 15-16 सालों में इसे खोज लिया। कैसे कैसे, ये तो तुम्हें सब पता होगा। देखो, हमें कुछ नहीं पता। और आप यहां से जाइए। उस वक्त वो चले गए, पर हमने उन्हें कल रात महल में भेष बदल कर सब कुछ देखते हुए पाया। यहाँ दीजिए। चाचा जी का भेड़िया वाला नुस्खा आपने चोरी किया है? नहीं रानी साहिबा, यह सरासर झूठ है। झूठ आप बोल रहे हैं भास्करन जी, क्योंकि सिपाही के भेष में छिपकर पूर्णिमा की रात को भेड़िया बनने वाला प्रयोग देखते हुए हमने भी आपको देखा था। हमें संदेह भी हुआ, लेकिन तब हमें पता नहीं था कि आप कौन हैं। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे राजा बिरबल, कि सैफुद्दीन सच में मानव भेड़िया के रूप में परिवर्तित होता है या नहीं। और जब आपने पूर्णिमा की रात को प्रयोग देखा और देखा कि सैफुद्दीन जी के अंदर सचमुच भेड़िए जैसी हरकतें हो रही है, तब आपको यकीन हो गया कि सैफुद्दीन जी ने इंसान से भेड़िए बनने वाले प्रयोग का सफलतापूर्वक आविष्कार कर लिया। आप इनके प्रयोगशाला गए और वहां से वो नुस्खा चुरा लिया। नहीं राजा बिरबल, हमने नुस्खा नहीं चुराया है। अगर नुस्खा चुराया होता तो अभी आपके सामने खड़े नहीं होते। हम उस इजाद को लेकर हम दूसरे देश चले गए होते और उसे बेचकर करोड़ों मुहरे कमा ली होती, क्योंकि उस इजाद की कीमत हमसे अधिक कौन जान सकता है। यानी भेड़िए बनने का सूत्र जिसने भी चुराया है वो जरूर मुल्क छोड़ के भाग गया है। तो अब हम उस चोर को कैसे पकड़ेंगे बीरबल जी? मेरी अगला कहती है कि उसे पकड़ने के लिए हम सबको भी मुल्क छोड़कर भागना होगा, अगर नहीं। खामोश खरगोश। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, हमें भास्करन जी के घर पे छापा मारने के बाद ये भेड़िया की खाल मिली है। यानी आप ही वो हैं जो भेड़िए की खाल पहनकर लोगों को डराते थे। नहीं नहीं रानी साहिबा, हमने तो सिर्फ इसे प्रयोग के लिए मंगवाई थी। भास्करन जी, आपकी बात पर यकीन करना मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बिरबल। भास्करन को तुरंत कैद खाने में डाल दिया जाए, ताकि ये भेड़िया बनकर लोगों पर हमला ना कर सके। लेकर जाओ। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं भेड़िया नहीं हूँ। मैं भेड़िया नहीं हूँ रानी साहिबा। पूर्णिमासी की रात जब पूरा चांद अपने शवाब पर होता है, तो आदम को ये दिया कैसे बुझ गया? हवा से खिड़की खुली रह गई थी, खिड़की बंद करना। भेड़िया,
भेड़िया ये क्या कर रहा है? नहीं, बचाओ, बचाओ भेड़िया! चलने सलीम, वाकिफ, पकड़ ये भेड़िया को! पकड़ लिया बीरबल जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब ये भेड़िया हमारे शाही फौलादी हाथों से बच के नहीं जा सकता भेड़िया। अरे क्या कर रहे हैं हम? भेड़िया वासु के चंगुल से बचना बहुत मुश्किल है। अरे चेताने सलीम, वासु, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? भेड़िया पकड़ रहे हैं बीरबल जी। आप लोगों ने भेड़िया को पकड़ा है? अरे ये भेड़िया कहाँ गया बीरबल जी? आप लोगों की वजह से खिड़की से कूद कर भाग गया। हाँ, बीरबल जी अभी हम दोनों भेड़िया को पकड़ कर आते हैं। हाँ। अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ऊंचाई पर है, पहली मंजिल पर। आप लोग इस खिड़की से कूदेंगे तो चोट लग जाएगी। भेड़िया बचकर भाग गया। भाई साहब ये क्या है? ये भेड़िया बार बार आप ही पे हमला क्यों कर रहा है? कौन सी दुश्मनी आपके साथ? रानी साहिबा, सोचने वाली बात यह कि भेड़िया है कौन? हमें अब तक लग रहा था कि भास्करन है, पर वो तो कैद खाने में है। रानी साहिबा, रानी साहिबा, गजब हो गया रानी साहिबा। ये सब जहां पना के चचा शेफुद्दीन ने किया है। दवा खाने में हम पर हमला करके फिर भाग गए। हमारी समझ में सब आ गया। दवा खाने से भाग कर सैफुद्दीन चाचा ने भेड़िया बनकर हम पर हमला किया, क्योंकि पूर्णमासी की रात हमने चाचा जी का काला सच उजागर किया था। हमसे बदला लेना चाहते थे वो। अब क्या करें बीरबल? पता नहीं भेड़िया चाचा अब किस पर हमला करेंगे। रानी साहब आप फिक्र मत कीजिए, हम सिपाहियों को भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और इस प्रास पर से जल्द ही पर्दा उठाएंगे हम। सिपाही कहां रह गए? पता नहीं वो भेड़िया चाचा कहां छिप गए होंगे। मिल गए चाचा जी, पर इनकी ये हालत कैसे हुई? रानी साहिबा, ये हमें इसी हाल में सड़क किनारे पड़े हुए मिले। चाचा जी कहां थे आप? चाचा जी आपसे पूछ रहे हैं, कहां थे आप? कौन कौन हैं आप लोग? हम हैं रुहाना, हमसे ना टकराना। हम वही हैं जिसे देखकर तुम्हारी जान जलती थी भेड़िये। भेड़िया? कौन भेड़िया? और कहां आ गए हम? कौन है हम? चाचा पकड़े गए तो ढोंग कर रहा है। ये देखिए आदमखोर भेड़िया, देखिए ये आपका कातिल है ना, तोफा। माफ कीजिएगा, हम आप लोगों में से किसी को नहीं जानते हम। ए वासु, तमीज से बात करो। हमें लगता है कि ये चाचा जी अपनी याददाश्त कहीं खो आए। रानी साहब हमें तो लगता है यादाश्त खोने का ढोंग कर रहे हैं ताकि इन्हें सजा ना मिल सके। इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, इन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। रुक जाइए रानी साहब। पर क्यों बीरबल, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। रानी साहब हम ऐसा करते हैं कि सैफुद्दीन जी की फिर से एक बार जांच करवाते, पता तो चले कि सचमुच इनकी याददाश्त गई है या फिर ये याददाश्त जाने का नाटक कर रहे। रानी साहिबा, हमने चचा जान की जांच की है, इन्हें वाकई याददाश्त भूलने वाली दवाई पिलाई गई है। इसका मतलब चाचा जी याददाश्त चले जाने का नाटक नहीं कर रहे थे? तो क्या हुआ बहना, चाचा जी भेड़िया बनकर भाग रहे होंगे और भागते हुए सिर पे चोट लग गई होगी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। हाँ बलदेव जी, पर ये बुरा काम चाचा जी नहीं बल्कि कोई और कर रहा था।
बुरे काम का बुरा नतीजा होता ही है। हाँ बलदेव जी, पर ये बुरा काम चाचा जी नहीं बल्कि कोई और कर रहा था। कौन कर रहा था बिरबल? हाँ साहब, हम आपको आरंभ से बताते हैं। जब हम सैफुद्दीन जी के घर दूसरी बार गए तब हमने वहां एक दवाई से भरी शीशी देखी। रानी साहब, उस शीशी के अंदर जो दवाई थी उसकी हमने जांच करवाई है। जांच से पता चला है कि उन दवाइयों को लेने से इंसान के अंदर जानवर जैसी प्रवृत्ति जागृत होती है। सैफुद्दीन जी को वही दवाइयां दी जा रही थी रानी साहब, और वो दवाइयां उन्हें उनके निजी वैद्य ओम प्रकाश जी दे रहे थे। क्यों ओम प्रकाश जी, आप ही ने वो दवाई पिलाई थी ना सैफुद्दीन जी को? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हम बरसों से सैफुद्दीन जी के वैद्य हैं, हम उन्हें जानवर बनने वाली दवा क्यों देंगे? हम जानते थे वैद्य जी, आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे ये बात। चलिए, आप सैफुद्दीन जी के हाथ में वो पट्टी बंधी हुई देख रहे हैं? जी, ऐसी पट्टी आप उनके हाथ में बांध रहे थे जब हम सैफुद्दीन जी के प्रयोगशाला में आए थे उनसे मिलने, याद है आपको? इस पट्टी के बांधने का अंदाज निराला है, एक गांठ अंगूठे पर, एक गांठ हाथों के बीचों बीच। ये वही पट्टी है ना जो आपने बांधी थी? हाँ, ये वही पट्टी है, आपके सामने ही तो बांधी थी। जी आप भूल कर रहे हैं, अपने दिमाग पर जोर दीजिए। उस दिन जो आपने प्रयोगशाला में सैफुद्दीन जी के हाथ पर पट्टी बांधी थी, उन्होंने उसी दिन बाहर जाते वक्त निकाल कर फेंक दी थी। ये वो पट्टी नहीं हो सकती। और सोचिए, अगर ये वो पट्टी होती तो ये पट्टी अब तक गंदी हो गई होती, मैली हो गई होती, लेकिन ये पट्टी साफ सुथरी है, जैसे कि कल ही किसी ने इनके हाथ पर बांधी है। और अगर ये पट्टी आपने कल इनके हाथ पर बांधी है तो इसका मतलब ये कि कल आप सैफुद्दीन जी से मिले थे और आपने कल ही सैफुद्दीन जी को याददाश्त खोने वाली दवाई पिलाई, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि सैफुद्दीन जी सबको आपकी असलियत बताएं। और आपकी असलियत यह है कि आप ही वो भेड़िया हैं। हम जानते हैं कि अब भी आप कहेंगे कि आप दोषी नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। चलिए वह जी, आप हमें दो कदम चलकर दिखाई। चलिए चलिए, रहने दीजिए वह जी, आपके पैर में मोच आई है, और ये मोच आपके पैर में तब आई जब आप भेड़िया बनकर आए थे। हमने आपको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमसे बचकर आप खिड़की से कूद कर भाग गए। हाँ हाँ, हमें वो भेड़िया है। क्या? पर ओम प्रकाश जी, ये खेल आप क्यों खेल रहे थे? क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों को लगे कि सैफुद्दीन जी का प्रयोग सफल हो गया, इंसान भेड़िया बन सकता है। हमारा मकसद था दुनिया को यकीन दिलाना कि मानव भेड़िया का प्रयोग सफल हो गया, और उस प्रयोग को हम ऊंची कीमत पर बेचना चाहते थे। और इसी उद्देश्य से भेड़िए की खाल पहनकर हमने सब लोगों पर हमला किया, और सैफुद्दीन जी के घर से मिश्रण चोरी कर लिया ताकि सबको लगे कि असली नुस्खा चोरी हो गया है, जबकि असली नुस्खा तो इजाद हुआ ही नहीं था। और आज ही उस नकली नुस्खे को असली बताकर हम करोड़ों में बेचने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमने आपका खेल खत्म कर दिया। वैद्य जी, आप तो बड़े शातिर निकले ओम प्रकाश जी। सिपाहियों, इन्हें पकड़ लीजिए और कैद खाने में डाल दीजिए। और हकीम जी, आप जल्द से जल्द चाचा जी को ठीक कर दीजिए, इनकी याददाश्त वापस लाइए, वरना जब जहां पना आएंगे और इन्हें ऐसा देखेंगे ना तो हमारी याददाश्त भुला देंगे। नहीं नहीं, हम इलाज करेंगे इनका। चाचा जान, आइए हमारे साथ, घबराइए मत, आइए चलिए। संभल कर लेके जाइए।
ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हमने आपको पहले कहीं देखा है? आप ना बहुत खूबसूरत है मोहतरमा। हम है रुहाना, आके हमसे टकराना। रानी साहिबा, हमें इनकी यादगार वापस नहीं चाहिए, इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए।